हम नशी झूले मेरे दिल की जमीन, इस दिल मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। अब तुम भी कंफ्यूज करो ना, कुछ लिख के फेंक दो। तुम्हारा दिमाग खराब है, चुप करो। कुछ नहीं होता है। अच्छा सुनो, मुझे कवर करो, मैं ना सीटी मारने वाली हूँ, मेरा नाम नहीं लेना तुम्हें। मैंने चुप कर दिया, खुदा के लिए प्लीज, अकेले मैं क्या करूँ ऐसे में। कुछ नहीं होता यार, तुम तो सुनती नहीं हो, तुम भी कुछ करो ना, मजा आएगा यार। कुछ नहीं, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ ना। साइलेंस। Anyway, class dismissed. बेटा मुझसे ना तुम शर्ट लगा लो। कल मैंने उन्हें कंफ्यूज ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी बिया नहीं है। बड़ा आया, नो लिप नो रिस्पॉन्स। बहुत ही शैतानी दिमाग है तुम्हारा, मुझे तो इस सबसे दूर ही रखो। तो मिस बिया, इधर आएं। यस डॉक्टर हादी। ये आपने अपने हाथ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये वो सर, हमने ना क्लास में ऐसे शर्ट लगाई थी कि हम एक दूसरे के हाथ पे आपके लिए कुछ लिखें, तो ये क्या लिख दिया तुमने खदीजा साहब? ये तो सॉरी सर, ये तुमने क्या, ये तो नहीं लिखना चाहिए था तुम्हें सर ने। क्या बकवास कर रही हो, ये मैंने कब लिखा? इस खदीजा, ये आपने कहा था इनको लिखने के लिए? मेरा कोई दिमाग खराब है, मैंने नहीं लिखा ये। सॉरी सर, ये मैं, मेरी शरारत थी, खदीजा ने कुछ नहीं किया, मैं मजाक करी थी बस। मजाक कहां, मैं आती हूँ। सुनो ना, ब्रेक फेल हो गए क्या तुम्हारी? बात तो सुन लो मेरी, भागे जा रही हो। सॉरी यार फजिस्ता, तुमने कितनी गलत बात की उधर डॉक्टर आदि को मेरे बारे में। तुम तो सीरियस ही हो गई यार फजिस्ता, आज डॉक्टर आदि का फर्स्ट डे था तो थोड़ा बहुत मजाक कर लिया मैंने। मजाक कर लिया तो तुम्हारा जो दिल में आता तुम करो, मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, ऐसी लड़की हूँ मैं? कुछ नहीं सोच रहे होंगे यार, मैं सारी बात क्लियर करके आई हूँ। उन्हें भी अच्छी तरह से अंदाजा है कि ये मेरी हरकत हो सकती है, उन्हें पता है कि यंग टीचर्स के साथ थोड़ा बहुत ये होता है। और वैसे भी मेरी बात सुनो, उन्होंने भी ना अपने टाइम पे ये सब कुछ किया होगा, और वो हमारे सीनियर थे खजिस्ता, थोड़ा बहुत मजाक चलता है यार। हाँ ठीक है, तुम सबके लिए जो ये शहरी लोग होते हैं ना उनके लिए चलता होगा, कभी भी कुछ भी जो दिल में आया वो कर दिया और उसके बाद मजाक कर रहे थे, कह के सॉरी कह दिया। तुम्हें पता है मुझे ये नहीं पसंद। अच्छा मेरी बात, मुझे नहीं। एक काम करते हैं कि मैं डॉक्टर हादी को यहाँ बुला लेती हूँ और मैं उनके सामने तुम्हें सॉरी कर लूंगी, और मैंने ये बता दूंगी साफ साफ कि हमारी खजिस्ता से किसी से भी ज़्यादा मोहब्बत नहीं हो सकता। वो देखो, वो जा रहे हैं अपनी प्लास्टिक की कजन के साथ। डॉक्टर हादी, चुप करो चुप करो चुप करो, मुझे माफ करो, खुदा के लिए हॉस्टल चलो। ये वो सर, हमने ना क्लास में ऐसे शर्त लगाई थी कि हम एक दूसरे के हाथ पे आपके लिए कुछ लिखें, तो ये क्या लिख दिया तुमने खदीजा? ये तो सॉरी सर, ये तुमने क्या, ये तो नहीं लिखना चाहिए था तुम्हें सर ने। क्या बकवास कर रही हो, ये मैंने कब लिखा? इस खदीजा, ये आपने कहा था इनको लिखने के लिए? मेरा कोई दिमाग खराब है, मैंने नहीं लिखा ये। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हादी, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो जो कुछ भी किया वो बिया ने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे अरे खजस्ता, अगर आपने की भी होती ना तो मुझे बुरा नहीं लगता। जी हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यंग टीचर्स के साथ ये सब कुछ चलता है। मुझे बहुत सारे काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खजस्ता मेरी बात तो सुने। अस्सलाम वालेकुम। खजस्ता भाई, वो सोबिया का फोन आया था, वो कोई पार्टी वार्टी अरेंज करना चाह रही है। कैसी पार्टी? वही बच्चों की हाउस जॉब वगैरह कंप्लीट होने पे, फिर तो उसके बाद उन्होंने यूएस चले जाना है, तो मैंने कहा अच्छा है कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाएगा। दैट्स नॉट अ बैड आईडिया। मेरा तो ख्याल है हमें भी कोई गेट टुगेदर रख लेना चाहिए, इट विल बी नाइस। मुझे कोई एतराज तो नहीं है, मगर एक बात जहन में रखो कि सोबिया फिर उस मौके पर अनाउंसमेंट जाएगी। शरिया, हादी हमारा बेटा है, और अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए हमसे थोड़ा सा वक्त मांग रहा है तो हमें उसे वो वक्त दे देना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, लेकिन इस मामले में मैं आपको उसके साथ जोर जबरदस्ती करने नहीं दूंगी। तुम कहना क्या चाह रहे? यही कि वो मैच्योर है, समझदार है, इज नॉट स्टूपिड। अगर उसे वक्त चाहिए तो हमें दे देना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट हिज विशेस। खाक समझदार है, वो खुद अपनी एनर्जीज को जाया कर रहा है। एक तो हाउस जॉब, फिर उसका पार्ट वन, और फिर ऊपर से क्लासेस, वक्त से पहले थक जाएगा। शरियार, ही नोज हिज पोटेंशियल। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, वो संभाल देगा सब कुछ। कितना पोटेंशियल है वो मैं भी जानता हूँ, मगर उसे अपनी सारी एनर्जी पेपर्स की तैयारी में खर्च करनी चाहिए ताकि यूएस में फॉरन क्लियर हो जाए। सलाम डैड। वालेकुम सलाम। फिलहाल मैं यूएस नहीं जा रहा। क्यों? What's brought this on? अभी मूड नहीं मेरा। दो तीन साल बाद सोचूंगा। आदि, आदि मेरी बात सुनो, रुको। मामा प्लीज, अगर आप लोग मुझसे वजाहतें मांग रहे हैं तो इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं। बहुत दिन हो गए मैं सोया नहीं, सो प्लीज। रियली? माँ बाप की नींद उड़ा के तुम्हें नींद आ जाएगी आदि, जब से तुम्हारी बात सुनिए शरिया नीचे गुमसुम बैठे। मामा मैं आप लोगों से दूर जाना नहीं चाहता, पता नहीं मुझे लगता है कि अगर मैं चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाए। प्लीज फोर्स ना करें मुझे।
कितनी बार तुमसे कहा था कि इसको कटवा लो, मगर नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। खराब हो जाता तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा अपना बाजू कटवाने तुम्हारे अस्पताल आ जाता। हमेशा गलत बात कर रहे हैं। दर्द तो नहीं हो रहा? पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा। पता है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कितना अहम पर्चा था मेरा। वो सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं तुम्हारी खातिर दुनिया छोड़ने को तैयार हूँ, और तुम पर्चा छोड़ने की बात कर रही हो। कितनी संग दिलाओ? मैं संग दिलूं या तुम संग दिलो, तुम्हें जरा ख्याल नहीं है मोर का। मोर कितनी परेशान थे। मुझे अफसोस होता है तुम्हें देखकर, तुम बिल्कुल नहीं बदले। वो इज्जत, वो डिटाई। कल जब मोर मुझसे फोन पे बात कर रही थी, वो रो रही थी। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम बच्चे, तुम किसके साथ आई? वो दाजी के साथ। मोर परेशान थे, फिक्रमंद हो रही थी। जानता हूँ क्यों फिक्रमंद हो रही थी। इसके बाजू के साथ साथ इसका दिमाग भी ठीक कर दो। दिन ब दिन काम छोड़ता जा रहा है। जब तुम्हारे बारे में कोई ऐसे बात करता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बैठो, इधर बैठो। ये सब तुम्हारी वजह से है। हर कोई थाने देता तुम्हारी वजह से। या कल मकल सब ठीक हो जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हारी डॉक्टरी को आग लगानी पड़ेगी मुझे। तुम कभी मुझे नहीं समझ सकते ना, कभी नहीं। कोले, मैं चाहता भी नहीं हूं कि मैं तुमको समझूं, लेकिन ये जरूर चाहता हूं कि तुम मुझको समझो। जो दवा लिख कर दिया वो इस्तेमाल भी कर लेना, वरना जितना जख्म तुम नोच चुके थे, शुक्र करो खराब नहीं हुआ। ख्याल रखो अपना। बाहर का जख्म दिखाई देता है, लेकिन अंदर का नहीं। बस पर हमारे सारे कॉलेज की सहेलियां साथ बैठे तो और क्या करते। चलो बच्चे आराम करो। वो लाला, वो शेर काका को कह देना कि मुझे कल कॉलेज जाना है, मेरी छुट्टियां नहीं है। काका क्यों? मैं खुद छोड़ कर आऊंगा तुम। फजर के बाद तैयार रहना। फिर शानजे भाभी को भी साथ में ले लेंगे। मेरे कॉलेज की सहेलियों को बहुत शौक है भाभी से मिलने का। लेकिन मुझे अपना घर बार छोड़कर काल जो खिबू सुनने का कोई शौक नहीं। चलते हो? Thank you.
मेरा टीचर है। बात करो। हेलो सर। जी मिस खजिस्ता। इतनी देर से आपको कॉल कर रहा था, कहाँ थी आप? कहीं उस बात की वजह से तो सर वो मैं अपने कजन को देखने आई थी, उसकी तबीयत खराब थी, मैं टेस्ट की तैयारी कर रही थी। आप फिक्र मत करो, मैं क्लास मिस नहीं करूंगी। टेस्ट? हाँ वो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। आपको कुछ समझाना है तो आप दिया को समझा दो, मैं वही आके उसे समझ लूंगी, वो हॉस्टल में है। ठीक है। उस्ताद जी फोन बंद नहीं करना। पहली बात तो ये कि तुमको जो कुछ भी पढ़ाना है, जो भी बात करनी है, जमात में करो ना, ये कॉलेज क्यों आती है? और दूसरी बात, मैं खजिस्ता का सिर्फ रिश्तेदार नहीं हूं, इसका मंगेतर भी हूं। मैंने इसको इजाजत नहीं दे रखी कि हरेरे गैरे से फोन पे बात करती फिरे। जी की इजाजत का नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम्हारी ये डॉक्टरी माक्टरी सब बीच में रह जाएगी। खजिस्ता का सिर्फ रिश्तेदार नहीं हूं, इसका मंगेतर भी हूं। वीकेंड्स पे मौसम बहुत अच्छा होता है ना? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? स्पेशलाइजेशन के लिए मैं भी तुम्हारे साथ यूएस जा रही हूँ। मेरे सारे फॉर्म सबमिट हो गए। लेकिन मैं तो नहीं जा रहा। ये क्या मजाक है आदि? ऐसे कैसे हो सकता है? मजाक नहीं है। तुम्हारी मामा और डैड से बात नहीं हुई इस बार? मेरी किसी से इस बारे में बात नहीं हुई। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम ना जाओ? तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रीम था ये हादी। तुम्हारे सारे पेपर्स क्लियर हो चुके हैं, तुम्हें स्कॉलरशिप मिला है, फिर? जानता हूं, लेकिन फिलहाल मैं यहीं पर और अपनी स्पेशलाइजेशन भी यहीं से करूँ। आप पूरे करने के पूरी उम्र पड़ी। क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते? और ऐसा क्या है यहाँ पर जिसकी वजह से तुम पूरा फ्यूचर दांव पे लगा रहे हो? खुशी है मेरी यहाँ, और उल्टे सीधे सवाल करके मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। तुमने जाना है तो जाओ, इन्हें रोका नहीं है किसी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आज भी हॉस्पिटल नहीं जाना? आई डोंट थिंक सो। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आ जाओ मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। लेकिन हुआ क्या है? जो बात करनी है कहीं और जाके करो। Come on, let's go. Let's go. We don't need a confrontation. Come on, Adi. Come on. Let's go. आप यहाँ क्यों? मैं नहीं आ सकती यहाँ पे, मेरा मतलब है सीनियर्स को अलाउ नहीं है यहाँ पे। नहीं, लेकिन यूँ अचानक इस तरीके से? मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलने आई थी, उन्होंने बताया कि तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैंने सोचा तुमसे मिला। तुम्हें अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं, सारे टॉपिक्स कवर हो गए। गुड गर्ल। हादी बहुत अच्छा टीचर है, वो किसी को कुछ भी पढ़ाता है तो आप भूलते नहीं हो। तुम्हारी बहुत तारीफें करता है वो, मेरा मतलब है काबिलियत की। दिखाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ये वाला टॉपिक क्लियर कर लिया? बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, कर लिया। नोट्स थे मेरे पास इसके। आदि ने दिए? मैंने खुद बनाए। मुझे लगता है आप किसी जरूरी काम से आई हैं। जो भी बात है वो सीधी सीधी करें। घर वाले तुम्हारी बहुत तारीफें करते हैं, इतनी कि मुझे छोटी बहन की कमी फील होती है। लेकिन आज मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करने आई और आदि की वजह से भी। सर, आदि की वजह से? क्यों? वो तुम्हारा जिक्र बहुत ज्यादा करता है, ऐसा लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। पता नहीं वो मुझे चिढ़ाता है या क्या, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ इस चीज को लेकर। ये किस किस्म की बातें कर रही हैं आप मेरे साथ? मुझे ऐसी फजूल बातें बिल्कुल नहीं पसंद, और ना ही मेरी फैमिली इस तरीके की है कि वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सके। तुम तो डर गई। आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। अब हादी को तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो हसीन लड़कियों पे सिर्फ लाइनें मारने का शौक रखता है, बहुत बड़ा फ्लर्ट है वो। लाओ मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। बैठो बैठो। ये देखो, ये वाला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, हर टेस्ट में आता है, और ये वाला भी, ठीक है?
दस्ता, मैंने आपको कब से ढूंढ लिया, इतने दिन हो गए लेकिन आप वक्त ही नहीं देती। वो मेरे पेपर्स हैं, थोड़े मसरूफ थे, मैं पेपर्स के बाद बात करती हूँ ना आपसे। अभी तो वक्त है। वो हमारा आज वायवा है, तैयारी करनी और पिया को भी कुछ समझाना है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। अगर आपका हो गया हो तो चलें। मरीज आपको कोस रहे हैं झोलियां फैला फैला के। मैं भी वहीं आ रहा था। आजा चल। बता तो रहा हूं तुम्हें, थोड़ी सी जमीन के 50 लाख का चेक जमा हुआ है, कम है क्या? हाँ कम है लाला, बहुत कम है। जो जमीन बेच के इज्जत घटी है उसके मुकाबले में ये पैसा क्या चीज है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। क्या इज्जत घटी है यार, देवनिया सड़क के गुजरने से खेत की कीमत 2 गुना ज्यादा हो गई। कोई भी इमारत बनाई ना तो दिनों दिनों में कीमत कहां से कहां पहुंच जाएगी। ओए खुदाया, तुम लोग हर चीज को पैसों से क्यों तोलते हो, क्यों तोलते हो पैसों से? और ये इमारत वमारत बनाने की बात आज तो किए, दोबारा मत करना लाला। अगर मेरी जमीन पे कुछ बना तो मैं अपना खून बहा दूंगा, वहां पे इमारत नहीं बनने दूंगा। इमारत हा, क्या पेपर हुआ है खजिस्ता। वैसे देखा सही कहते हैं ना लोग, सीनियर तो भाई सीनियर ही होते हैं। हाँ ये बात तो है, जितनी मार्किंग वायमा करके गई थी ना, ऑलमोस्ट पेपर सारा उसी में से आया था। फैमिली बैकग्राउंड की बात है बेटा, यही सारा कुछ हम डॉक्टर हादी से पूछते ना तो वो भी हमें बता देते। हम क्यों उनसे पूछते, हमें खुद आता है। क्या चल रहा है तेरे उस लड़की के साथ, कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है? पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दिखा दी ज्यादा जान नहीं बन, सही है? तो तेरे रोज यहाँ के चक्कर चल रहे ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। और ये आयमा का मूड भी तो ऑफ रहता है, बता क्यों? क्यों? उसने तुझसे कुछ कहा है? यार ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कहना चाहती है पर कह ही नहीं पाती। और ये अंकल भी तो आजकल एब्सेंट रहने लगे हैं। यार डैड की तबीयत ठीक नहीं है आजकल बात, और आयमा को तू जानता है, एमी बात का बतंगड़ बनाती है। कुछ नहीं है ऐसा। यार हादी तेरे चेहरे पे साफ लिखा दैट यू आर इन लव, ओके? बस मुझे सिर्फ ये जानना है कि वो लड़की भी इन्वॉल्व है या नहीं। पागल हो गया है तू यार, मैं उसका सीनियर हूँ, वो मेरी जूनियर है, हमारा बस यही रिलेशन है एंड दैट्स इट। चल तू कहता है ना, मान लेता हूँ, वैसे ये सच है नहीं, ये तू भी जानता है। जैसा तू कह रहा है ना वैसा बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं वैसा भी नहीं है। यार बात कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है यार। रिलैक्स हो जा, मैं समझाता हूं तुझे। देख सुकून से इजहार मोहब्बत कर दे, 2 मिनट में सब वाज़े हो जाएगा, या थप्पड़ या फिर पागल हो गया है क्या? जो भी आता है मुंह से बोल देता है यार तू। और प्लीज ये बात किसी से कहना नहीं, बिना वजह उस लड़की के लिए मसाइल बन जाएं। तू जानता है कॉलेज में कैसे बात फैलती है। ओह स्कैंडल, अबे तुझे इस लड़की की स्कैंडल की पड़ी और घर पे जो स्कैंडल बन रहा है, तू जानता नहीं है उस औरत को, पागल है वो। अच्छा भूख लग रही है, कुछ खिला। चल चल भाई। अकेले अकेले पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो आपने मार्किंग करके गई थी ना, वो सारे के सारे सवाल आए। अगर आप मुझे वो सारे टॉपिक्स नहीं बताती ना तो फिर वो तो मैं छोड़ ही देती। आपकी वजह से मैंने याद कर लिया और सारा पेपर उसमें से आया था। क्या बात है, तुम ट्रीट तो बनती है। तुम लोगों को कहीं पे जबरदस्त लंच करवाती हूँ मैं, चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे ना परमिशन नहीं है काले से बाहर जाने की, यही कैंटीन में कर लेते हैं। तुम लोग डॉक्टर्स बनने वाले हो, मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन और परमिशन,
कैसी बातें करते हो यार तुम? मैं जा रही हूँ ना तुम लोग के साथ, कोई नहीं रोकेगा तुम लोग को। चलो पर चलो ना, चलो ना। दो तीन घंटे में आ जाएंगे यार खजिस्ता, आ जाओ। चलो 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 उठो, चलो ना यार खजिस्ता, मजा आएगा। चलो अच्छा वो जो पिछले हफ्ते ला कर दिया था वो तुमने लाला के तकिए के नीचे रखा कि नहीं? रखा था, लेकिन तुम्हारे इन तावीजों का कोई फायदा नहीं है। ए मेरी फजूल में दरगाह की पूंपा करती फिरती हो। मड़े ऐसे नहीं कहते, वो बहुत पहुंची हुई चीज है, तुम्हें पता नहीं है। शेर काका कहते हैं कि अगर तावीज पहन कर जंगल जाओ तो जानवर भी इंसान का बच्चा लगने लगता है, तो फिर लाला क्या है? जब तक तुम्हारे लाला सुधर जाएगा ना, तब यकीन भी कर लूंगी इस पर। इसका करना क्या है? इसको खोलते नहीं है पागल, इसको खोलते नहीं है। इसको किसी मीठी चीज में डालकर लाला को पिला दो, फिर देखना वो तुम्हारा कैसा दीवाना होता है। और उस बदबख्त बहराम का क्या करना है? उसके लिए कोई ताबीज, कोई टोना? एक बात तो बताओ, ये आखिर चक्कर क्या है? वो कहता क्या है तुमसे? बदबख्त आदमी को 5 साल बाद याद आया कि कून का बदला कून से ही होना चाहिए। मनुष्य तो लाला से कहो ना उसे गोली मार दे। ओ तुम फिकर ना करो, तुम मुझ पे सब कुछ छोड़ दो, ये मैं संभाल लेगा, ठीक है? और वो तारकजाई की शादी के लिए जो तावीज मंगाया था वो नहीं लाई? भाभी मुझे एक बात बताओ, वैसे तो तुम हर वक्त कहती रहती हो कि लाला सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे, सिर्फ तुम्हारा होके रहे, और यहाँ पर खुद ही अपने पैर काटने पर तुली हुई हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, दूर बैठी खजिस्ता की लाला को इतनी फिक्र है, अब अगर वो हर वक्त उनके सामने बनी संवरी फिरेगी तो फिर तुम कैसे उनका दिल और दिमाग बचाओगी? जाना क्या चाह रही है? कुल के कर बात? कुल कर ये कि वो हसीन है, वो जवान है, और सबसे बड़ी बात वो डॉक्टर बन गई है। तुम तो शायद मैट्रिक पास भी नहीं हो। हर कोई मुकाबला करेगा, लाला तो वैसे ही उसकी हर वक्त तरफदारी करता रहता है। होश के नाखून लो बाबी, क्यों अपनी खुशियों की ताल में उस नागिन को दूध पिलाने बैठ गई हो? होश करो। अल्लाह, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये। तो अब सोचो, वो शेर चली गई है, उसके सारे वापसी के रास्ते बंद कर दो। बल्कि तुम कुछ ऐसा करो कि लाला उसकी वहीं पर शादी करा दे, तुम अपना घर और शोहर बचाओ। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही है। मैं हमेशा ठीक ही कहती हूँ भाभी, बस कोई समझता नहीं है। वो रहे शहर में जहाँ पर वो लड़बड़ कर गई है, हम ठीक है यहाँ पर उसके बगैर, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी यहाँ पर। हम नशी झूलेंगे।